नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हरियाणा जीके से रिलेटेड, IHSSC के एग्जाम से रिलेटेड हर रोज एक न एक वीडियो दोस्तों जरूर आप लोगों के सामने दोस्तों इस चैनल पर एक न एक वीडियो जरूर आप सभी तक पहुंचा दी जाती है कि आप सभी HSSC एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। इसलिए जो भी वीडियो हम कराते हैं दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके HSSC एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। और हमारा टारगेट है दोस्तों इस HSSC का जो हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम है, ये हमारा टारगेट रहेगा कि HSSC कॉन्स्टेबल एग्जाम्स को क्रैक करना। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा रोज का दोस्तों जो भी कोर्स वगैरह है, जो भी चला हुआ है, उसे पढ़ते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों देखिए, कल जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने हरियाणा विधानसभा का टॉपिक पूरी जो गहराई के साथ बहुत ही अच्छे डाटा के साथ किया है दोस्तों, जिससे कि प्रीवियस ईयर और कुछ जो अभी अभी एग्जाम हुए हैं 2021 में दोस्तों करीब 20 से 25 पोस्टों के लिए एग्जाम हो चुके हैं, उन सभी में क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं। और आज का हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा हरियाणा का मंत्रिमंडल की कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल से। तो आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, जो आने वाले जो कॉन्स्टेबल मेल कॉन्स्टेबल का एग्जाम है दोस्तों 28, 29 और 31 तारीख अक्टूबर को, तो उसमें दोस्तों यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर, हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है ना मंत्रिमंडल का विस्तार, किस तरीके से कौन किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम CM, सबसे पहले बात करते हैं CM यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए हमारे मुख्यमंत्री अमन और लाल हरियाणा के चौथे लाल मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मैं बात करता हूँ दोस्तों इनकी सबसे पहले विधानसभा सीट की, यानी कि इन्होंने इलेक्शन कहाँ से लड़ा है। देखिए, और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। किसी भी राज्य की विधानसभा में केवल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पॉलिटिकल के हिसाब से मैं पॉलिटिकल वीडियो बताऊंगा दोस्तों कि एक सौ विधानसभा संशोधन हुआ था जिसमें निर्धारित किया गया था कि किसी भी राज्य की केवल 15% सीटों का ही जो है ना टोटल सीटों का 15% ही जो हो वहाँ के मंत्री बन सकते हैं दोस्तों। तो 15% किसी भी राज्य की विधानसभा में दोस्तों मंत्री बन सकते हैं। यानी कि देखिए हरियाणा में 90 सीट है दोस्तों, और उनका मैं अगर 15% निकालूंगा तो आप देख लिए दोस्तों किस तरीके से निकालते हैं किसी भी राज्य की। अगर मैं पंजाब की निकालू, यूपी की निकालू, अगर मुझे उनके जो है विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या बताना तो उस राज्य के केवल 15% ही मंत्री बनेंगे। और दोस्तों ये हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था जो ना ये पॉलिटिकल में हम पूरी तरीके से करेंगे कौन सा संविधान संशोधन किस तरीके से किस लिए हुआ था। तो किसी भी राज्य में केवल क्या है जो 15% उसके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और दिल्ली केवल एक ऐसा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों 10% ही जो है ना अब उसके टोटल विधानसभा के जितनी भी विधानसभा सीट है दोस्तों, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट है, तो उनके दोस्तों 10% ही मंत्री बनते हैं। वो भी एक स्पेशल जो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों हम वापस आते हैं अपने CM यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में हम बात करते हैं, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है। उससे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों ये इलेक्शन कहाँ से जीते हुए, यानी कि जो विधायक की कुर्सी है दोस्तों इन्होंने इलेक्शन जीता करनाल से, और करनाल को हम इसीलिए दोस्तों CM सिटी कहते हैं। CM सिटी क्यों कहते हैं करनाल को, क्योंकि इन्होंने करनाल से इलेक्शन जीता हुआ दोस्तों। करनाल से इन्होंने विधानसभा की जो करनाल विधानसभा सीट है वहाँ से इलेक्शन जीत कर हम ये दोस्तों सत्ता में आए और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनके पास मंत्रालय कौन कौन से है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय दोस्तों, वित्त मंत्रालय में बात करता हूँ दोस्तों इनके पास हैं
एक सेकेंड दोस्तों रुकिएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था हरियाणा के जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो इनसे मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सबसे पहले इनके पास है हमारा वित्त मंत्रालय, हरियाणा के वित्त मंत्री दोस्तों जो है वो सीएम ही है खुद दोस्तों। ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद अगले मंत्रालय की बात करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों इनके पास है वित्त मंत्रालय, देखिए सबसे पहले इनके पास है दोस्तों वित्त मंत्रालय। उसके बाद है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। उसके बाद अगले मंत्रालय की बात करता हूँ दोस्तों, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मंत्रालय। उसके बाद मैं दोस्तों अगली बात करता हूँ के पास इरिगेशन यानी वाटर से संबंधित, यानी कि दोस्तों इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। उसके बाद अगला मैं बात करता हूँ दोस्तों इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलीजन्स, यानी कि जानकारी जो पब्लिक रिलीजन्स या धार्मिक जानकारी से संबंधित मामला जो है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलीजन्स। ये मंत्रालय दोस्तों इन्हीं के पास है। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, हाउसिंग और प्लानिंग तो दोस्तों पहले हो चुका, टाउन कंट्री प्लानिंग हो चुका, हाउसिंग और प्लानिंग, हाउसिंग और प्लानिंग। सबसे ज्यादा मंत्रालय दोस्तों दुष्यंत चौटाला और जो है मनोहर लाल खट्टर के पास ही है। सबसे ज्यादा वैसे बात करता हूँ तो मैं हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय है। उसके बाद मैं बात करता हूँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्यायिक विभाग, न्यायिक विभाग भी दोस्तों हमारे सीएम के पास ही है न्यायिक विभाग अपना। उसके बाद है पर्यावरण मंत्रालय यानी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मौसम एवं जलवायु दोस्तों या पर्यावरण एंड जो ना क्लाइमेट चेंज मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों जीए, जीए का मीन्स जर्मन वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है, अगले की बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर है जो मतलब इनसे अलग है दोस्तों वे डिपार्टमेंट भी इनके पास ही है सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट। एक और इनके पास डिपार्टमेंट बचता है आर्किटेक्चर यानी कि दोस्तों जो ये औद्योगिक विभाग है, औद्योगिक विभाग भी इन्हीं के पास है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर दोस्तों ये विभाग भी इन्हीं के पास है। तो दोस्तों देखिए ये थे हमारे मनोहर लाल खट्टर से संबंधित विभाग, ये जो है जितने भी विभाग है इनकी जो कमान है वो हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास है दोस्तों। यानी इन विभागों का जो मंत्री है वो दोस्तों हमारे सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है। एक बार फिर से हम दोस्तों इनके विभागों की बात करते हैं। देखिए कहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो करनाल विधानसभा से दोस्तों ये जो ना हमारे विधायक हैं। सबसे पहले बात करता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वित्त मंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे सीएम जो है वित्त मंत्री अपने आप यानी वित्त मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि जो है ना दोस्तों ये घर बनाने से संबंधित है जो भी जो मंत्रालय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ठीक है वो भी मंत्रालय हमारा कहाँ पर है मनोहर लाल खट्टर के पास है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग है स्वास्थ्य से, यानी पब्लिक हेल्थ, ठीक है वो हमारा है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर के पास। वैसे स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों हमारे अलग है, ठीक है, लेकिन पब्लिक हेल्थ मंत्रालय है मनोहर लाल खट्टर के पास। उसके बाद पानी से संबंधित यानी देखिए इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, जो पानी से संबंधित मंत्रालय दोस्तों वो हमारा मनोहर लाल खट्टर के पास है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलीजियस
यानी सूचना और धार्मिक जो पब्लिक रिलीजियस यानी सूचना और धार्मिक विभाग भी हमारा जो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर के पास है। उसके बाद हाउसिंग और दोस्तों प्लानिंग ये विभाग भी हमारे मनोहर लाल खट्टर के पास है। देखिए जुडिशरी जुडिशरी विभाग यानी न्यायिक विभाग हमारा ये भी मनोहर लाल खट्टर के पास है दोस्तों। उसके बाद अगला है पर्यावरण मंत्रालय इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भी हमारा मनोहर लाल खट्टर के पास है। उसके बाद दोस्तों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हमारा कहाँ पर है दोस्तों सीएम मनोहर लाल के पास ये मंत्रालय है दोस्तों। उसके बाद आर्किटेक्चर यानी भू निर्माण विभाग दोस्तों या औद्योगिक विभाग भी हमारा कहाँ पर है मनोहर लाल खट्टर के पास। तो दोस्तों हमारे मनोहर लाल खट्टर के पास जितने भी मंत्रालय है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर दोस्तों जो HSSC के पेपर सेट रहे हैं वो हाँ यहाँ से जरूर क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय हमारे मनोहर लाल खट्टर और जो है। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ तो दोस्तों दूसरे हमारे रहेंगे डिप्टी सीएम, एक सेकंड बोर्ड मैं तो थोड़ा सा आपसे लेता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दूसरे हमारे रहेंगे दोस्तों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बने दोस्तों दुष्यंत चौटाला। के मंत्रालय के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, इनके पास भी बहुत सारे ज्यादा मंत्रालय हैं। बात करते हैं ये हरियाणा के दोस्तों छठे उप मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं दुष्यंत चौटाला के बारे में, दूसरे नंबर पर रहेंगे दुष्यंत चौटाला। जेजेपी पार्टी के दोस्तों ये है जेजेपी पार्टी से, और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों थोड़ा पार्टी विशेष भी जाना कि हमारे मनोहर लाल खट्टर थे दोस्तों बीजेपी पार्टी से, दुष्यंत चौटाला दोस्तों जेजेपी पार्टी से, ठीक है। अगर मैं करता हूँ दोस्तों इनकी जो इनका विधायक यानी विधायक कहाँ से बने जो इनका विधानसभा का दोस्तों वो है निर्वाचित क्षेत्र, तो वो हम दोस्तों हमारा उचाणा कला जींद में, उचाणा कला से दोस्तों ये विधायक है MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों विधायक यानी कि, ठीक है। तो ये हमारे उचाणा कला से दोस्तों इन्होंने पार्टी बनाई थी जेजेपी, जेजेपी की बात करूं दोस्तों इन्होंने पार्टी बनाई थी 10 दिसंबर 2018 को, यहाँ पर दोस्तों 9 दिसंबर भी मिल सकता है, अगर 9 दिसंबर मिले तो दोस्तों 9 दिसंबर 2018 वाले के एक पेपर में आता 10 दिसंबर 2018, तो इसलिए 10 दिसंबर वहां पर राइट आंसर दिया गया दोस्तों, 9 दिसंबर मिले तो आपको 9 दिसंबर लगाना है। देखिए बात हम कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की दोस्तों, तो इनको सबसे पहले ही है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्व आपदा यानी डिजास्टर मंत्रालय, रेवेन्यू एंड डिजास्टर, रेवेन्यू और डिजास्टर मंत्रालय हमारा है दुष्यंत चौटाला के पास दोस्तों। उसके बाद दूसरे की बात करता हूँ, दूसरा हमारा है आबकारी और कर यानी टैक्सेस से रिलेटेड, और आबकारी आप जानते हैं दोस्तों अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। टैक्स और आबकारी यानी कि अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड और जो हमारे टैक्सेस वाले मंत्रालय ये हमारे कहाँ पर हैं, तो ये हमारे हैं दोस्तों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास। उसके बाद अगला बात करता हूँ दोस्तों विकास एवं पंचायत डेवलपमेंट एंड पंचायत, विकास और पंचायत विभाग दोस्तों डेवलपमेंट एंड पंचायत ये मंत्रालय भी हमारा रहेगा दोस्तों दुष्यंत चौटाला के पास। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगले जो मंत्रालय की बात करता हूँ तो उद्योग एवं वाणिज्य इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल, उद्योग एवं वाणिज्य अगला मंत्रालय रहेगा उद्योग और वाणिज्य इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मंत्रालय भी दोस्तों हमारे कौन है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इसीलिए तो दोस्तों इन्होंने देखे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, इसीलिए इन्होंने जो ना हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों 75% नौकरियों का आरक्षण हरियाणा के हरियाणा वासियों को दिया है कि सभी जो प्राइवेट क्षेत्र है वहां पर 75% जितने भी कारीगर उस
प्राइवेट कंपनी में होंगे दोस्तों वो 75% हरियाणा के होंगे। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था, ये किस दिन किस तरीके किस तारीख को पास हुआ था, उस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अभी तक फाइनल एचएससी की जो है दोस्तों आंसर की मैं उस क्वेश्चन को कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि डेट उन्होंने सही तरीके से नहीं दी हुई है। सम तो ठीक है, लेकिन डेट में थोड़ा सा उस क्वेश्चन में कन्फर्म करके मैं आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा कि 75% सरकारी जो आपकी जगह प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी में महाराष्ट्र ने वो दिया गया था। उसके बाद अगले मंत्रालय की बात करता हूँ मैं दोस्तों, दूषण चौटाला के पास हमारा अगला मंत्रालय है सार्वजनिक निर्माण। सार्वजनिक निर्माण यह मंत्रालय हमारा रहेगा दोस्तों दूषण चौटाला के पास। सार्वजनिक निर्माण हमारा रहेगा दोस्तों दूषण चौटाला के पास। उसके बाद अगले मंत्रालय की बात करता हूँ तो अगला मंत्रालय हमारा रहेगा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हमारा अगला मंत्रालय जो हमारा रहेगा दूषण चौटाला के पास। उसके बाद अगले की मैं बात करता हूँ दूषण चौटाला के पास जो अगला मंत्रालय है दोस्तों वो है श्रम एवं रोजगार। रोजगार की तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, आप सभी को रोजगार की जरूरत है और हरियाणा में रोजगार की कमी है, क्योंकि हरियाणा में पूरे देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी 35% बेरोजगारी हरियाणा में है दोस्तों। जॉब की बार आंकड़ा पेश किया गया था 35% बेरोजगारी, इससे पहले साल 33% बेरोजगारी थी, जो हमारे दोस्तों एसडीजी इंडेक्स और नीति आयोग जो इंडेक्स जारी करता है उसके तहत दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला जो विभाग है वो है दोस्तों विमानन विभाग भी हमारा दूषण चौटाला के पास है। विमानन विभाग यानी कि एयरपोर्ट या एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह के विभाग जो है ना हमारे दोस्तों वो दूषण चौटाला के पास है। उसके बाद है पुनर्वास दोस्तों स्टेबिलिटी और दोस्तों उसके बाद अगला है लास्ट समेकन विभाग। तो दोस्तों ये थे जो विभाग थे हमारे दूषण चौटाला को, जो हरियाणा के जो छठवे यानी सिक्स्थ नंबर के जो है ना डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के हैं दोस्तों, तो इनके पास ये विभाग है दोस्तों, इनके पास भी बहुत सारे विभाग है दोस्तों और इन दोनों से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों। बाकी मंत्रालय बाकी जो जितने भी मंत्री दोस्तों उनके पास तो एक एक दो दो या तीन तीन मंत्रालय ज्यादा है, लेकिन दूषण चौटाला और जो हमारे सीएम है मनोहरलाल खट्टर इनके पास दोस्तों ज्यादा मंत्रालय, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, यहाँ से अच्छे से सही जरूर क्वेश्चन उठाएगी दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों देखिए कुछ राज्य मंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री। पहले बात करता हूँ मैं कैबिनेट मंत्रियों की, अगर कैबिनेट मंत्रियों की बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ बनवारी लाल की दोस्तों। देखिए बनवारी लाल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बनवारी लाल हमारे हैं बावल विधानसभा सीट से, जो एक आरक्षित सीट है दोस्तों। हाँ बात कर रहे हैं हम दोस्तों बनवारी लाल की, तो देखिए बनवारी लाल जो है ना हमारी बावल विधानसभा सीट से है दोस्तों। बावल जो है ना दोस्तों एससी यानी कि आरक्षित सीट है हमारी, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है, एससी सीट है, और ये बावल हमारा दोस्तों रेवाड़ी में है, जो 17 हमारी आरक्षित सीट है दोस्तों, जो मैं पिछले टॉपिक विधानसभा में दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी तक मैंने उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था दोस्तों, लेकिन आपको करवाई नहीं है वो, बहुत ही जल्द दोस्तों मैं आपको ऐसे तो डीपली बताता ही रहूंगा, जो जहाँ पर जिस विधानसभा का जिक्र आएगा यानी कि जिस जो विधानसभा सीट है उसका जिक्र आएगा उसकी बात होगी वहां पर भी बताता रहूंगा, लेकिन जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों कि कल जब मुन्नी गुस्से में हुई तो मैंने उसे प्रख लिया, उस ट्रिक्स में दोस्तों सभी विधानसभा सीट आ जाती है और जिस जिस जिले में विधानसभा सीट आरक्षित नहीं थी तो उनकी भी दोस्तों वो जितने जिले 4 जिले बचे थे वे भी मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं, अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपसे भी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए बनवारी लाल जो दोस्तों बावल विधानसभा सीट से हमारे हैं
ठीक है, जो बावल जो है वो रेवाड़ी में पड़ता है दोस्तों, एक औद्योगिक एरिया है दोस्तों रेवाड़ी में भी बहुत सारा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके मंत्रालय की बात करते हैं हम दोस्तों, बनवारी लाल, बनवारी लाल के पास है दोस्तों पहले सहकारिता मंत्रालय है। सहकारिता मंत्रालय दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय हमारा दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग जो यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, बनवारी लाल के संबंध में, बनवारी लाल के संबंध में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका विभाग रहेगा दोस्तों, सहकारिता विभाग। उसके बाद अगला है दोस्तों SC, यानी कि देखिए अनुसूचित जाति और पिछड़ा कल्याण विभाग दोस्तों, अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण दोस्तों, बनवारी लाल के पास ये दो ही विभाग है, सहकारिता और अनुसूचित जाति और पिछड़ा कल्याण विभाग। और बनवारी लाल का जो है दोस्तों सहकारिता से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारिता मंत्रालय जो हमारा, जो हमें दोस्तों ये मंत्रालय जो हमारा किस मंत्री के पास है, तो बनवारी लाल। और बनवारी लाल जो है ना दोस्तों हमारी बावल विधानसभा सीट, जो रेवाड़ी में हमारी बावल विधानसभा सीट पड़ती है, जो 1 नवंबर 1989 को दोस्तों जिला बना था पानीपत यमुनानगर और कैथल के साथ, तो बावल विधानसभा सीट SC के लिए आरक्षित जो है वहां से हमारे विधायक है बनवारी लाल। और बनवारी लाल के पास हमारे दो मंत्रालय सहकारिता और SC ST के और पिछड़ा कल्याण विभाग दोस्तों, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए वह पिछड़ा कल्याण विभाग, तो ये दो मंत्रालय थे दोस्तों हमारे बनवारी लाल के पास। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए JP दलाल, JP मीन्स दोस्तों जयप्रकाश दलाल, जयप्रकाश दलाल हमारे अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं दोस्तों। देखिए बनवारी लाल की बात करा था, बनवारी लाल के दोस्तों हमारे हैं BJP पार्टी से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जयप्रकाश दलाल, जयप्रकाश दलाल की अगर मैं विधायक की बात करूँ दोस्तों, ये विधायक कहाँ से हैं, तो ये विधायक रहेंगे दोस्तों हमारे लोहारू से, लोहारू हमारा पट्टा दोस्तों भिवानी में, जो मैंने आपको बताया था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट लोहारू दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, लोहारू से विधायक है हमारे जयप्रकाश दलाल। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इनके विधायक की, यानी वो माफ कीजिएगा इनके मंत्रालयों की, अगर इनके पास पास कौन सा मंत्रालय है, तो सबसे पहले दोस्तों एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग इनके पास है एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण विभाग हमारा रहेगा दोस्तों JP दलाल यानी कि जयप्रकाश दलाल के पास। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों डेयरी से रिलेटेड मंत्रालय, यानी कि पशुपालन एवं डेयरी, पशुओं से देखे दोस्तों खेत होंगे, यानी जिसके पास खेत होंगे उसके पास पशु होंगे दोस्तों, पशुपालन और डेयरी, यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इनके मंत्रालय में आपको याद कराऊंगा, पशुपालन और डेयरी विभाग दोस्तों, और मत्स्य विभाग, यानी कि आप देखे दोस्तों समझ सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इनके पास कृषि से रिलेटेड तो है, कृषि हो गया तो भैंस होंगी, भैंस होंगी, भैंस यानी कि यार दोस्तों हम कह सकते हैं दूध से रिलेटेड जो पशु बोल सकते हैं, पशुपालन ये करेंगे दोस्तों। और डेयरी दूध से रिलेटेड जो डेयरी का ही काम होता है, मत्स्य यानी कि ये जो अपने खेत में मत्स्य पालन करेंगे JP दलाल, इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो एक और मंत्रालय दोस्तों इनके पास हमारा बचता है वो है इनसे अलग कानून एवं न्याय, जस्टिस एंड लॉ, कानून है, कानून और दोस्तों कानून एवं न्याय, जस्टिस एंड लॉ मंत्रालय भी हमारा किसके पास रहेगा दोस्तों, जयप्रकाश दलाल के पास। और एक पेपर में यही पूछा था दोस्तों, देखिए और तो सभी ट्रिक से बन सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा इनसे अलग है, पूछा गया था कि हरियाणा के कानून मंत्री कौन है, तो हरियाणा में कानून एवं न्याय मंत्री हमारे रहेंगे JP दलाल, जो थोड़ा सा इन सबसे अलग है क्योंकि देखिए जयप्रकाश दलाल, जहां हम ये ट्रिक से क्या बना सकते हैं दोस्तों कि एक JP दलाल थे यानी कि जयप्रकाश दलाल थे, उनके पास बहुत सारी भूमि थी दोस्तों, यानी बहुत सारे किले थे, जमीन थी, तो उन पर क्या करते थे,
उन पर चारा उगाते थे किसके लिए, अपनी भैंसों के लिए, भैंस होंगी तो ज्यादा भैंस होगी तो दोस्तों उसको हम डेयरी कहेंगे, और डेयरी से उनके पास दोस्तों वे दूध निकालेंगे, यानी कि डेयरी और मत्स्य पालन भी उनके साथ ही करेंगे, पशुपालन और डेयरी भी भाग उनके पास होगा। लेकिन एक अलग भी भाग बनता है यहाँ पर दोस्तों, कानून एवं न्याय, यानी कि इससे क्या कह सकते हैं कि जब उनका किसी के साथ झगड़ा हो जाता था तो वो कानून की मदद लेते थे और न्याय करते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम जो हम इसको याद कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के पास दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक भी याद कर सकते हैं आप, इनको थोड़ा सा अपना कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह में बना सकते हैं, या किसी भी पोम में आप इनको कन्वर्ट करके दोस्तों दुष्यंत चौटाला और दोस्तों जो है ना हमारे जो सीएम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इनके जो है ना जितने विभाग हो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी के पास देखे दोस्तों। जेपी दलाल के पास हमारे 3 विभाग है, बनवारी लाल के पास 2, ये आराम के साथ याद हो जाएंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला और जो मुख्यमंत्री उनके पास थोड़े ज्यादा हैं, इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इनको आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे, आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करेंगे तो दोस्तों आप सभी को भरपूर फायदा, ये मेरी अपने दिल से वो होगी दोस्तों, आप सभी को ये जरूर याद होंगे। उसके बाद अगला जो है मंत्री उसकी बात करता हूँ दोस्तों, अगले कैबिनेट मंत्री हमारे, एक बार दोस्तों मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर साफ कर लेता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों आप ले सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स दोस्तों लिखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये नोट्स इनसे बाहर दोस्तों हरियाणा में कुछ नहीं आएगा, इस मंत्रालय से बाहर हरियाणा में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो लगातार आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, बस मैं दोस्तों आपसे भी से यही गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो भी हम डाटा है, जो भी वीडियो दोस्तों मैं आपको लिए करा रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, दोस्त वगैरह दोस्तों उनका भी फायदा हो, उनको भी कहीं ना कहीं से दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी डाटा मिले। यानी कि देखिए मैं ये कह सकता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर हैं और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं हरियाणा, जिसमें तो दोस्तों बहुत ही कम कंपटीशन है, यानी कि बहुत सारे, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता ना दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताता हूँ, और जानकारी जो मैं उस मंत्रालय के बारे में डीपली जानकारी है उनके फैक्ट्स के बारे में अलग से जो बताता हूँ, वहाँ से दोस्तों यही डिफरेंस है। मोटा मोटा यूट्यूबर सब कराते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट और दोस्तों अन्य जो टॉपिक है ना महत्वपूर्ण, वे दोस्तों यहाँ से आपको अलग करते हैं और अन्य संस्थानों से या यूट्यूबर से। उसके बाद अगला मैं बात करता हूँ दोस्तों रंजीत सिंह, अगले हमारे मंत्री कैबिनेट रहेंगे दोस्तों रंजीत सिंह, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इनके पास ऐसे डिपार्टमेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ, ये रंजीत सिंह दोस्तों, मैंने रंजीत सिंह इनको लिख दिया था, और दोस्तों ये बिल्कुल सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों इनके बारे में, एक सेकंड दोबारा मैं लिख देता हूँ दोस्तों, रंजीत सिंह सबसे पहले मैं इनके विधायक की अगर मैं बात करूं, इनके विधायक की दोस्तों मैं बात करता हूं, तो ये विधायक है हमारे रानिया से, रानिया विधानसभा सीट से विधायक, और ये रानिया पड़ता दोस्तों हमारा सिरसा जिले में, ठीक है दोस्तों, रानिया पड़ता हमारा सिरसा जिले में दोस्तों, जहां पर हमारा फ्रूट जो है ना, फ्रूट यानी कि हम कह सकते हैं फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है, यानी कि फल उत्कृष्टता केंद्र हमारा था दोस्तों रानिया सिरसा में, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, फल उत्कृष्टता केंद्र हमारा कहाँ, फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर हमारा दोस्तों रानिया सिरसा में, अगर हम हमारे साथ इसी के साथ जोड़ देना दोस्तों, फ्रूट्स के साथ ही वेजिटेबल जोड़ दे तो हमारा आ जाएगा ग्राउंड आंसर, लेकिन ओनली फ्रूट पूछे तो हमारा कहाँ रहेगा दोस्तों, क्योंकि एक मंझियाना परियोजना है दोस्तों, आप जानते हैं मंझियाना परियोजना हमारे सिरसा में ही लगाई गई थी फ्रूट के लिए, फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर मंझियाना परियोजना सिरसा में है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इनके, देखिए मंत्रालय के बारे में, सबसे पहले दोस्तों रंजीत सिंह के पास जेल मंत्रालय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जेल मंत्री हैं। उसके बाद दूसरा दोस्तों ये बिजली मंत्री है अपने हरियाणा के, यानी कि बिजली विभाग भी दोस्तों हमारा कहाँ पर है, रंजीत सिंह के पास, रानिया से दोस्तों ये विधायक हैं। उसके बाद देखिए बिजली मंत्री इनके पास है, और उसके बाद मैं बात करता हूँ ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है दोस्तों वो मंत्रालय के पास ही है। नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ये मंत्रालय भी हमारा कहां पर रहेगा दोस्तों,
रणजीत सिंह के पास रहेगा। रणजीत सिंह रानिया सिरसा से विधायक हैं और बिजली मंत्री, जेल मंत्रालय, इनके पास जो मंत्रालय है दोस्तों, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया जेल मंत्रालय। जेल मंत्रालय क्यों पूछा गया दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी देखिए इको फ्रेंडली जेल से क्वेश्चन पूछा गया है जो पानीपत जिले में स्थित है दोस्तों। और सबसे पहले जो ये तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों एक जेल रेडियो की शुरुआत की गई है, वो भी पानीपत से ही की गई थी। वर्तिका नंदा दोस्तों इसकी तिनका तिनका फाउंडेशन की दोस्तों हेड है, और जेल रेडियो इन्होंने जेल रेडियो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ पहले जेल रेडियो की शुरुआत, जो पहला जेल रेडियो की शुरुआत इन्होंने की थी वो पानीपत जेल से की थी दोस्तों, जो पूरे हरियाणा की सबसे पहली इको फ्रेंडली जेल है पानीपत से इन्होंने स्टार्ट किया था। इस टाइम पर दोस्तों हरियाणा में 19 जेल हैं जिनमें 19 कुल जेल हैं। अगर जेलों के तौर पर की बात आ गई तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ, 19 कुल जेल हैं हरियाणा में, ठीक है, कुल जेल हरियाणा में 19, जिनमें 16 जिला जेल हैं दोस्तों, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेल कितनी 16। उसके बाद बच गई दोस्तों 3 सेंट्रल जेल हैं, केंद्रीय जेल जिन्हें हम बोल सकते हैं, 3 सेंट्रल जेल हैं। इन तीनों की बात करता हूँ, 3 कहाँ कहाँ हैं दोस्तों, 2 हमारी रहेंगी जेल के बारे में बात चल रही है दोस्तों, तो 2 हमारी रहेंगी हिसार में और 1 हमारी रहेगी दोस्तों अम्बाला में, जहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी जो महात्मा गांधी के प्यारे थे, एक हमारी रहेगी अम्बाला में। और दोस्तों जो है ना अभी ये मैंने आपको बताया था कि देखिए 19 है यानी कि 3 जिलों में हमारी जेल नहीं थी, मैंने आपको ये बता दिया था। और अभी हांसी और जो फतेहाबाद एक ऐसा जिला है, देखिए हांसी जिला नहीं है क्योंकि हिसार में तो जेल है, लेकिन फतेहाबाद ऐसा जिला था जहाँ पर जेल नहीं थी, फतेहाबाद मेवा और पंचकूला ऐसे जिले थे जहाँ पर जेल नहीं है दोस्तों, यह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जो है ना दोस्तों फांसी करंट से दोस्तों बनेगा और फतेहाबाद में है, यहाँ पर भी जिला जेल बनाने की घोषणा की गई है, फांसी और फतेहाबाद में भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जेल बनाने की घोषणा प्रस्तावित है। ये देखने कब बन जाती है दोस्तों, कब हमारे सामने इसके बारे में डाटा उपलब्ध होता है। वापिस आते हैं हम अपने टॉपिक दोस्तों मंत्रालय पर, रंजीत सिंह के पास देखे जेल मंत्रालय, बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, और ये मंत्रालय दोस्तों हमारे थे जेल, बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हमारे रंजीत सिंह के पास थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले कैबिनेट मंत्री हमारे हैं मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इनके विधायक पद की, यानी कि ये कहाँ से एमएलए हैं, तो ये हमारे दोस्तों विधायक हैं बल्लभगढ़ से, बल्लभगढ़ का दोस्तों अभी नाम बलरामगढ़ हो गया है, नया नाम इसका रहेगा बलरामगढ़ दोस्तों। ये हमारा पड़ता है फरीदाबाद में, FBD फरीदाबाद से ये हमारे विधायक हैं। बात करता हूँ दोस्तों इनके मंत्रालय के बारे में, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय, सबसे पहले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिवहन मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, परिवहन मंत्रालय ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास है। उसके बाद दोस्तों खनन मंत्रालय, जो खनन यानी कि खानवा काम होता है दोस्तों, जहां पर रेत वगैरह की खान होती है या फिर सीमेंट वगैरह या पथरीली खान जहां पर होती है दोस्तों, वह माइनिंग यानी माइनिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी हमारा कहाँ पर रहेगा दोस्तों, मूलचंद शर्मा के पास हमारी ये डिपार्टमेंट रहेगी। उसके बाद अगला जो बात करता हूँ दोस्तों कौशल यानी स्किल एवं डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय भी इनके पास है, जिस पर की हरियाणा सरकार बहुत ध्यान दे रही है दोस्तों, कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी हमारी मूलचंद शर्मा के पास है। उसके बाद अगला मंत्रालय की बात करता हूँ कला एवं संस्कृति, आर्ट और लिटरेचर से रिलेटेड मंत्रालय दोस्तों यही इन्हीं के पास है, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति तो दोस्तों ये थे मूलचंद शर्मा के पास जो हमारे मंत्रालय हैं, ये हमारे कहां से कौन सी सीट से है, बल्लभगढ़ यानी बलरामगढ़ जिसका नाम कर दिया गया उस विधानसभा सीट से दोस्तों ये हमारे संबंध रखते हैं, जो कि फरीदाबाद जिले के अंदर हमारी जो है ना दोस्तों ये सीट आती है। इनसे दोस्तों यहाँ पर इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है परिवहन मंत्रालय हमारा कौन है, यानी परिवहन मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, तो मूलचंद शर्मा हमारे परिवहन मंत्री रहेंगे। देखिए दोस्तों दोबारा इनके मंत्रालय की मैं बात आपको दोबारा इनसे रिवाइज कराता हूँ, इनके मंत्रालय तो जो इनके पास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूलचंद शर्मा। देखिए परिवहन मंत्रालय
खनन यानी माइनिंग विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, जिस पर हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट यानी जिसे हम हथकरघा कह सकते हैं, अपने हाथ का काम सीखो यानी उस तरीके से, इसी के तहत दोस्तों क्या है कि एक स्किल यूनिवर्सिटी भी दुधौला पलवल में खोली गई दोस्तों। आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड यानी कला एवं संस्कृति, ये मंत्रालय हमारे रहेंगे दोस्तों मूलचंद शर्मा के पास, मूलचंद शर्मा बल्लगढ़ से विधायक। उसके बाद अगले हैं दोस्तों हमारे कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कौरपाल गुर्जर, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दोस्तों हमारे इनके पास रहेंगे। कौरपाल गुर्जर की बात करता हूँ दोस्तों, ये हमारे विधायक है जगाधरी से, जगाधरी हमारा पड़ेगा दोस्तों, जगाधरी हमारा पड़ता है यमुनानगर में दोस्तों, जिसको हम पीतल नगरी कहते हैं जगाधरी को, लेकिन पीतल नगरी अगर पीतल जिले के रूप में आए तो रेवाड़ी हमारा आंसर रहेगा। वैसे अगर ऑप्शन में दोनों तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे नहीं, यानी कि आपको या तो कहीं भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों पीतल नगरी जगाधरी आंसर होगा या फिर रेवाड़ी आंसर होगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में दोस्तों कभी नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर एरर क्वेश्चन होगा। और अगर आएंगे भी ना दोस्तों, कभी मान लो एग्जाम में आ गए तो आप रेवाड़ी को यानी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दोगे दोस्तों, रेवाड़ी आंसर होगा पीतल नगरी के रूप में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने कौरपाल गुर्जर जगाधरी विधानसभा सीट से दोस्तों, ये हमारे विधायक है, इनके पास दोस्तों देखिए सबसे पहले शिक्षा यानी कि एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, वन एवं पर्यटन, फॉरेस्ट यानी कि वन मंत्री हमारे, पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मंत्रालय इन्हीं के पास है, शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय दोस्तों, उसके साथ ही इनके पास है संसदीय कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्री भी यही है दोस्तों हमारे, संसदीय कार्य, ये मंत्रालय इनके पास है। ये तीन दोस्तों, ये तीन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी भी लिख लीजिएगा बेसिक पॉइंट के साथ, यानी कि बहुत ही बहुत जरूरी इनसे कौरपाल गुर्जर से दोस्तों, ये मंत्रालय के पास जो मिले हैं इनको, ये चार मंत्रालय में से तीन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से कौरपाल गुर्जर के बारे में बात करता हूँ, देखिए ये जगाधरी विधानसभा सीट से भी गायक है दोस्तों, जगाधरी नगरी पड़ता है जिसको पीतल नगरी बोलते हैं, जगाधरी डिस्टिलरी भी उद्योग भी है दोस्तों, जहाँ पर शराब वगैरह का निर्माण होता है। देखिए इनके पास मंत्रालय शिक्षा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वन फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री, पर्यटन टूरिज्म मिनिस्ट्री दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्रालय भी हमारे किसके पास है, कौरपाल गुर्जर के पास है। एक बार अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, कुछ मंत्रालय भी हमारे बाकी हैं उनके बारे में मैं हम जिक्र करेंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके लिए टॉपिक चल रहा है, आप सभी से गुजारिश की ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के भाई बंधु हो तक, रिश्तेदारों तक, जो भी आपके दोस्त हैं उन तक बहुत ही अच्छी नॉलेज, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डाटा दोस्तों हम दे सके और आने वाले मेन कॉन्स्टेबल के एग्जाम्स में दोस्तों वे अपना सिलेक्शन दे। क्योंकि दोस्तों नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं है, लगभग हरियाणा में तो ये बात अभी चल रही है, आप सभी ने देख लिया 35% बेरोजगारी है, ठीक है, और एक सरकारी नौकरी का दोस्तों अभी एक सपना भी अभी साकार हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन दोस्तों है और लगातार HSSC अब एग्जाम्स ले रही है, क्योंकि HSSC अभी मतलब एग्जाम लेने के फास्ट मूड में है, अगर कोरोना की पिछली लहर आ गई ना दोस्तों बस फिर वहीं पर आपका कारोबार रुक जाएगा, फिर कोरोना में आप घर रह जाओगे, आपकी तैयारी छूट जाएगी और ऐसा ही चलता रहेगा दोस्तों उसके बाद तो आप जल्दी से जल्दी जो है HSSC की नौकरी प्राप्त करें दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत ही फास्ट मूड में HSSC चल रही है, दिसंबर तक ना दोस्तों, दिसंबर तक तो मेल जो SI और फीमेल SI है उनकी तो दोस्तों दिसंबर तक आपने देखा होगा चेयरमैन साहब का इंटरव्यू, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और मेल कॉन्स्टेबल में थोड़ा टाइम क्यों लिया गया, क्योंकि पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है और बच्चे भी थोड़े ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए उन्होंने एग्जाम को भी कई शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया है दोस्तों, उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हम वापस आते हैं दोस्तों अपने मंत्रालय पर, देखिए कौरपाल गुर्जर हो गए, उसके बाद अगले कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं दोस्तों हमारे अनिल विज हरियाणा का गब्बर ही निकाल था दोस्तों, अनिल विज को हरियाणा का गब्बर, ये भी पूछा गया दोस्तों गब्बर के नाम से कौन मशहूर है हरियाणा में, हरियाणा का गब्बर ही निकाल था दोस्तों। अगर अनिल विज की दोस्तों विधानसभा सीट की बात करूं तो ये करते हैं, उन्होंने इलेक्शन जीता दोस्तों लगातार 6वीं बार विधायक बने थे दोस्तों, 5वीं 6वीं बार अम्बाला कैंट विधानसभा सीट से लगातार 6वीं बार यहाँ से विधायक बने हैं,
अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इनके पास मंत्रालय की, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। इनकी सबसे पहले दोस्तों इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। सबसे पहले बात रहेगी इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला मैं बात करता हूँ दोस्तों, गृह मंत्री है अपने, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री, तकनीकी शिक्षा भी यानी कि साइंटिफिक, अनिल विज, गृह, नगरीय प्रशासन दोस्तों उससे पहले आप लिख लीजिएगा, तकनीकी शिक्षा से पहले नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन के बाद है दोस्तों आप खान के पास मंत्रालय चिकित्सा एवं शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल साइंसेज। जो मेडिकल से रिलेटेड जो एजुकेशन है दोस्तों चिकित्सा शिक्षा एवं मंत्रालय के पास है, नगरीय प्रशासन के पास है दोस्तों तो म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन होता है वो प्रशासन भी इन्हीं के पास है। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारे अनिल विज के पास विज्ञान एवं तकनीकी यानी साइंटिफिक एंड टेक्नीशियन दोस्तों, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय भी हमारा कहाँ पर रहेगा, अनिल विज के पास। तो दोस्तों ये हमारे थे अनिल विज के पास मंत्रालय, और इन्हें हरियाणा में गब्बर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और अम्बाला कैंट विधानसभा सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, यानी कि भारतीय कहाँ से है, अम्बाला कैंट विधानसभा से। उसके बाद देखिए आगे बात करता हूँ दोस्तों, अब हमारे आगे जो मंत्री हैं वो चार मंत्री हमारे दोस्तों, राज्य मंत्री हमारे आगे जो चार मंत्री दोस्तों ये हमारे थे कैबिनेट मंत्री अभी तक, और आगे जो चार मंत्री है दोस्तों वो भी हमारे राज्य मंत्री। आगे जो हमारे मंत्री रहेंगे दोस्तों वो हमारे रहेंगे अभी राज्य मंत्री। और राज्य मंत्रियों में बात करता हूँ, सबसे पहले राज्य मंत्री हैं दोस्तों ओपी यादव यानी ओम प्रकाश यादव, ओपी यादव हमारे दोस्तों रहेंगे सबसे पहले राज्य मंत्री। ओपी यादव के पास अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इन ओपी यादव की मैं बात करता हूँ कि ये कहाँ से विधायक हैं, तो दोस्तों देखिए ओपी यादव हमारे विधायक हैं नारनौल विधानसभा से, नारनौल हमारा महेंद्रगढ़ में पड़ता है यानी कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी नारनौल में पड़ता है दोस्तों। तो हमारे जो ओपी यादव विधायक हैं तो वो हैं दोस्तों नारनौल से, नारनौल से हमारे विधायक हैं दोस्तों ओपी यादव। इनके अगर मैं मंत्रालय की बात करता हूँ दोस्तों नारनौल पड़ता है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ जिले में हमारा नारनौल पड़ता है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी नारनौल में है। बात करता हूँ जेपी यादव के पास मंत्रालय की, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है दोस्तों इनके पास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसके इनके पास है। और इसके बाद इनके पास दोस्तों सैनिक एवं सैनिक कल्याण, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण इनके पास है। उसके बाद अगला है दोस्तों ये हमारे मंत्रालय थे ओपी यादव के पास नारनौल विधानसभा से दोस्तों, ये हैं ये हमारे राज्य मंत्रियों की बात हो रही है, उनके पास दो ही मंत्रालय हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हमारे ओम प्रकाश यादव, और इन्हीं के पास सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय। उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे दोस्तों हमारे अनिल विज, तक जितने भी आठ मंत्रालय हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री रहे थे दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में अभी फिलहाल जो है दोस्तों 12 ही मंत्री हैं, दो मंत्रियों को जैसे दो मंत्री अभी नए बनाए नहीं गए थे, उनको पद नहीं दिए गए हैं या जरूरत नहीं पड़ी है हरियाणा को, 12 ही मंत्रालय से 12 ही मंत्रियों से अभी हरियाणा काम चलाई दोस्तों। उसके बाद कमलेश डांडा, देखिए दोस्तों 9 फीमेल ऐसी हैं यानी कि 9 महिलाओं हैं, महिलाओं ने 14वीं विधानसभा सीट और 14वीं विधानसभा में जीत दर्ज की थी यानी 14वीं विधानसभा में चुन कर आई हैं 9 महिलाएं हैं, लेकिन मंत्री पद जो मिला दोस्तों वो मिला है एक को ही, वो मिला कमलेश डांडा को, अगले राज्य मंत्री हमारे दोस्तों कमलेश डांडा,
कमलेश डांडा। दोस्तों अगर मैं कमलेश डांडा के विधायक की बात करता हूँ तो ये हमारी विधायक है दोस्तों कलायत, कलायत कैपिटल से, कलायत हमारा पड़ता है दोस्तों कैपिटल में, कपिल नगरी जिसे हम कहते हैं दोस्तों कपिल नगरी जिसे हम बोलते हैं कलायत कैथल में दोस्तों इन्हें में विधायक की यहाँ से चुनी गई है दोस्तों विधायक के रूप में बीजेपी पार्टी से दोस्तों। लेकिन क्या है इनके पास जो मंत्रालय है क्योंकि राज्य मंत्री हैं इनके पास, अगर मैं मंत्रालयों की बात करता हूँ जो मंत्रालय इनको दिए गए हैं, पहला है महिला और बाल विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक ही महिला है दोस्तों जो मंत्रालय बनाई गई और इन्हीं को मंत्रालय दिया गया है महिला एवं बाल विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आप सभी के लिए मंत्रालय से, ये मंत्रालय हरियाणा पुलिस की 6 सीट में एग्जाम होंगे दोस्तों, हरियाणा पुलिस की 6 सीट में एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों किसी ना किसी सीट में, लिख के देता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों ठीक है, 6 सीट में से एक ना एक सीट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लेते ठीक है। देखिए ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास, उसके बाद अगला इनके पास है दोस्तों अभिलेखागार, अभिलेखागार मंत्रालय इनके पास है, अभिलेखागार मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद अगले राज्य मंत्री की बात करता हूँ दोस्तों मैं, अगले राज्य मंत्री हमारे रहेंगे अनूप बाणक, अनूप बाणक दोस्तों जेजेपी पार्टी से, इनकी विधायक की अगर बात करता हूँ तो दोस्तों ये विधायक है उकलाना से, उकलाना दोस्तों हिसार विधानसभा में पड़ता है, उकलाना दोस्तों हिसार विधानसभा में,